पिछले लेसन में आप लोगों ने एल्कोहल का नामकरण, पिछले वाले लेक्चर में एल्कोहल का नामकरण देखा था एक, इसके अंदर आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल है आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि एल्कोहलों में समावयता, एल्कोहलों में समावयता की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता ये दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन संरचनात्मक समावयता के अंदर मुख्य रूप से अपन जानते हैं संरचनात्मक समावयता 6 प्रकार की होती है, लेकिन एल्कोहल मुख्य रूप से श्रृंखला, कौन सी बेटा, श्रृंखला, श्रृंखला समावयता, नंबर दो स्थिति समावयता, स्थिति समावयता, नंबर तीन क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह, समूह समावयता, और नंबर चार यहां पर मैं त्रिविम समावयता का एक रूप लिख रहा हूं, त्रिविम समावयता का एक रूप लिख रहा हूं, हालांकि ये संरचनात्मक समावयता के तीन प्रकार प्रदर्शित करेगा, ना तो ये मध्यावयता प्रदर्शित करता है, ना ये चलावयता प्रदर्शित करता है, ना ये बंधन समावयता करता है, तीनों को तो हटा दो आप। अब मैं चौथा प्रकार त्रिविम समावयता का, पहला प्रकार कहने का मतलब है कि ज्यामिति समावयता की बात आता है प्रकाशिक समावयता, यहां पर मैं वो त्रिविम समावयता का प्रकाशिक समावयता वाला रूप लिख रहा हूं, तो यहां पर चौथा है इसका प्रकार प्रकाशिक समावयता, तो ये त्रिविम समावयता का फर्स्ट रूप मानो, सेकंड रूप मानो, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि सवाल आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भाई अणुसूत्र आपको देगा, जैसे अणुसूत्र दे दिया C4H10, तीन तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और एक दस, C4H10O एक अणुसूत्र है, और तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बीस इस अणुसूत्र के से जो श्रृंखला समाव, अधिकतम श्रृंखला समाव बनेंगे एल्कोहल का सूत्र लिखो, ये अणुसूत्र ईथर में भी लागू होता है और ये अणुसूत्र एल्कोहल में भी लागू होता है, तो आपको श्रृंखला बनाने, तो अपन को बताया था बेटा श्रृंखला समावयता में जो क्रियात्मक समूह है OH उसकी स्थिति को वन रखना, आप भले ही कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला में जब परिवर्तन होगा तो वो कहलाएगा बेटा आप लोगों का श्रृंखला समावयव, तो आप इसके अंदर इस अणुसूत्र के श्रृंखला समावयव अपन बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, आपसे प्रश्न पूछा गया कि इस अणुसूत्र के श्रृंखला समावयव बनाइए और एल्कोहल बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोला तो आप लोग जानते हो कि बेटा ईथर वाला सा तो श्रृंखला बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं एल्कोहल का अणुसूत्र है श्रृंखला समावयव। अब श्रृंखला समावयव की जो संख्या है देखो बेटा, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अपन ने ओ को यहाँ जोड़ दिया लास्ट में, अब ओ को जोड़ा तो तीन दिया, तीन और दो पाँच दिया, पाँच और दो सात दिया, सात और दो नौ दिया, और एक एच को यहाँ लगा दिया, तो पहला समावयव बन गया, आप लोगों का नाम जरूर लिखोगे, नाम होगा ब्यूटेनॉल, हो गया ब्यूटेनॉल पहला समावयव। अब देखो OH समूह की पोजीशन वन है बेटा, वन टू थ्री और ये फोर, तो इसका नाम ब्यूटेन वन ऑल, तो वन पोजीशन ही आप बताओगे, श्रृंखला में आप लोग तोड़ मरोड़ कुछ भी कर सकते हो। अब आप क्या करना है, तीन कार्बन की श्रृंखला खींचनी है, नंबर दो, एक दो तीन, और अपन ने ओ को लगा दिया यहाँ पे, एक कार्बन अपने हाथ में रखो, यदि मैं कार्बन यहाँ लगाता हूँ तो दूसरी पोजीशन पर OH पहुँच जाएगा, तो ये इसका श्रृंखला समावयव नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यदि मैं यहीं लगा रहा हूँ तो पहला रूप ही बन जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है ये वाला, ये और ऑप्शन है, तो इसका नाम आईयूपीएसी नाम अपन जानते, एक दो तीन और तीन, और वो हो गया बेटा, तो ये आपकी इसकी होगी संयोजकता पूरी, उसका नाम हो गया बेटा नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नाम हो गया बेटा टू मैथिल प्रोपेन वन ऑल, वन पोजिशन ही है। अब आपके पास दो कार्बन की श्रृंखला बनाओ, तो दो कार्बन की श्रृंखला बना दी मान के चलो, एक दो और ये OH जोड़ा, अपने पास दो सी है, अब दो सी में आपने इसको और इसके ऊपर जोड़ दिया तो बेटा OH की स्थिति परिवर्तन कर दिया आपने, यहाँ जोड़ दिया, एक इधर जोड़ा और एक इधर जोड़ा, तो ये आपका दूसरा वाला ही बन गया, भाई आप एक कार्बन यहाँ जोड़ रहे हो और एक कार्बन यहाँ जोड़ रहे हो बेटा, तो एक दो तीन, तो यही तो नाम आ जाएगा टू मैथिल, तो यहाँ पर कहने का मतलब अणुसूत्र C4H10O के केवल दो श्रृंखला समावयव बनेंगे, पहला ब्यूटेनॉल बनेगा और दूसरा बनेगा टू मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद अब प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई अणुसूत्र जो आपका ऊपर वाला है वही वाला अणुसूत्र ऊपर वाले का ही आप लोगों को क्या बनाना है, स्थिति समावयव बनाना है, तो आप लोग इसको देखो तो अणुसूत्र C4H10O के दो श्रृंखला समावयव बनेंगे, पहला ब्यूटेनॉल बनेगा तो दूसरा कौन सा बनेगा टू मेथिल प्रोपेनॉल। अब अगला प्रश्न क्या पूछा कि आपसे कहा कि भाई कि अणुसूत्र यही वाला है
इस अणुसूत्र की आपको स्थिति समावयव बनाने हैं। क्या बनाने हैं इसके? नंबर एक क्या बनाना है इसका प्रश्न है, स्थिति समावयव बनाइए। देखो बेटा, एक दो तीन चार और ये OH जोड़ रहा हूँ मैं लास्ट में, तीन तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ और एक दस। तो पहला तो हो गया ब्यूटेनॉल। अब अपने पास स्थिति का मतलब है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यदि कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है, त्रिबंध उपस्थित है, तो उसकी स्थिति में जब आप परिवर्तन करो तो वो कहलाते हैं स्थिति समावयव। जो आप लोग श्रृंखला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, श्रृंखला में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। पहला स्थिति ये बन गया। नंबर दो, एक दो तीन चार यहाँ चेंज नहीं करना, आप ओ को हाथ में लेके चल सकते हो। यहाँ लगा दिया तो यही वाला बनेगा, यहाँ लगा दिया तो भी यही वाला बनेगा, तो आपके पास है एक ही ऑप्शन ये वाला। तो CH3 CH2 H और ये CH3। नाम क्या हो गया बेटा इसका? 1 2 3 4। तो नाम हो गया इसका बेटा 2-butanol, सही है। अब देखो बेटा, अपन चार कार्बन, एक तो पहला ये बना, दूसरा ये, तीसरा बना रहे, तो एक दो तीन और ये चार। यदि मैं OH को यहाँ लगाऊँ तो भी तो नाम 2-butanol रहेगा, तो इसलिए इसके क्या बनेंगे? दो ही स्थिति बनेंगे। आपको गोचपोच वाला नहीं बनाना कि स्थिति और श्रृंखला दोनों बनाओ, आपको जो पूछे उसी का जवाब देना है। तो अणुसूत्र C4H10O के दो स्थिति समावयव, पहला ब्यूटेनॉल दूसरा 2-butanol बनाना, ठीक। अब उसके बाद क्रियात्मक समूह समावयव बनाना चाहें अपन, कौन सा बनाना चाहें बेटा? अगला क्या है इसके अंदर? अगला प्रश्न ये पूछा जाए कि अणुसूत्र C4H10O के क्रियात्मक समूह समावयव बनाइए। तो अणुसूत्र C4H कहने का नंबर वन, तो क्या बनाना है इसके? क्रियात्मक समूह समावयव। अब देखो बेटा, क्रियात्मक समूह समावयव के अंदर एक निश्चित कॉम्बिनेशन होता है। यदि पहला एल्कोहल है तो उसका भाई ईथर रहेगा, ठीक है, या ईथर है तो उसका भाई एल्कोहल रहेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी। पहला साइनाइड है तो दूसरा आइसोसाइनाइड रहेगा, पहला नाइट्रो है तो दूसरा नाइट्राइट रहेगा, पहला थायोसाइनेटो है तो अगला आइसोथायोसाइनेट रहेगा, ठीक है बेटा। एक एल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एक एस्टर रहेगा, समझ में आई? तो ये इनके एक निश्चित कॉम्बिनेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि पहला एल्कोहल है तो दूसरा ईथर बनेगा, तो अपन इसके दो बना सकते हैं। पहला तो बनेगा एक दो तीन चार और ये OH, तो पहले का नाम तो हुआ बेटा ब्यूटेनॉल, ठीक है बेटा, ये ब्यूटेनॉल। दूसरा बनाओ एक दो, फिर वो जोड़ दिया एक दो और ये तीन, ये तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात और सात और तीन दस। तो अब यहाँ पर यदि ओ की स्थिति को चेंज कर दे तो मध्यावी बनेगा, लेकिन यहाँ मध्यावी कब बनाओगे? अरे तो मध्यावी जब ईथर के बारे में पूछा जाए। तो आज से दो सूत्र बनाना, भले ही ओ को जस्ट दो कार्बनों के बीच बैठाओ या इस प्रकार से बनाना। तो हमेशा ऑक्सीजन परमाणु छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है, ये मैंने नियम बताया था। इसका नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन, या इसका नाम, ये तो मैथिल है और ये प्रोपिल है, तो मैथिल प्रोपिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम रहेगा। तो इसके दो क्रियात्मक समूह समावयव। दूसरी बात, इसी सूत्र अणुसूत्र के आप लोगों ने प्रकाशिक समावयव बनाओ, तो अपन जानते हैं प्रकाशिक समावयव तो वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके अंदर क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो, और क्रेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु का अर्थ ये होता है कि वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूह उपस्थित हो, तो वो कहलाएगा बेटा क्रेल या असममित कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, देखो मोटी सी बात, कि आपके पास कितने कार्बन है? चार कार्बन है। अपन ने कहा देखो, एक कार्बन जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये OH जोड़ दिया, और मैं एक H को यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। अपन ने इसको तो कर दिया C2H5, कोई दिक्कत है? CH3 CH2 करके, और इसको कर दिया CH3, बोला अणुसूत्र है कि नहीं है। अब यहाँ देखो, इस कार्बन को देखो आप, नाम इसका IUPAC क्या होगा? 1 2 3 4 2-butanol, सही है। एक दो, दो कार्बन को तीन और चार, तो यहाँ नंबरिंग दोगे तो यहीं से दिया, तो 2-butanol रहेगा। अब इस कार्बन को देखो, इस फोटो को, ये समूह अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो ये वाला अलग है, तो इस कार्बन को बोलोगे क्रेल कार्बन परमाणु। अब क्रेल कार्बन परमाणु यदि लिया तो इसके दो प्रकाशिक समावयव बनेंगे, आपको बताया। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप लोग बेटा? मिरर लगा देना और फोटो लगा देना, एक डी बनेगा तो दूसरा एल, तो ये समतल द्वितीय प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त या वामावर्त क्या कर देगा? घूर्णित करेगा। फिर दूसरी बात,
ये जो एल्कोहल दिखाई दे रहा है टू ब्यूटेनॉल, क्या है बेटा ये टू ब्यूटेनॉल। अब ये जो टू ब्यूटेनॉल है उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर क्या रहेगा बेटा अध्यारोपित नहीं होगा, नहीं होने के कारण ये क्या करेगा प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा। वन ब्यूटेनॉल नहीं कर सकता क्योंकि क्रियल कार्बन होना चाहिए, क्रियल कार्बन की कंडीशन में आप टू ब्यूटेनॉल, जैसे आप बोले साहब मैं तो ये बनाऊंगा साहब CH2 और ये OH, साहब ये लो साहब CH2 साहब मैं तो ये बनाऊंगा साहब इसके प्रकाशिक समावा बढ़ाओ, और इसका कैसे बढ़ेगा, क्यों क्यों नहीं बन रहा। यहाँ देखो इस कार्बन को, इस कार्बन को स्टार मान लिया, जो मान लिया है नहीं है, लेकिन इस कार्बन में दो एच समान दिख गए ना तो मामले गड़बड़े। तो क्रियल कार्बन का मतलब चारों लगी हुई फोटो जो संयोजकताओं पर है वो डिफरेंट होनी चाहिए, एकदम अलग अलग हो तो ही वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं। तो इस अणु सूत्र का एक ही रूप, इकलौता रूप टू ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा। तो श्रृंखला समझ में आ गया, स्थिति समझ में आ गया, क्रियात्मक समूह आ गया और इसका प्रकाशिक समावता। तो ये है बेटा एल्कोहल की मुख्य रूप से देखा जाए तो ये समावता। आप लोगों भले ही कोई सा भी एग्जाम्पल लें तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग उसको हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला जो पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर आप लोग एल्कोहल बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अर्थात एल्कोहल आप लोग किन किन विधियों के आधार पर बना सकते हो। तो आप लोग एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में थोड़ा सा अपन बात करेंगे। अगला टॉपिक्स एल्कोहल बनाने की विधि। एक सरल सी विधि जो आप लोगों ने पार्ट नंबर 10 में देखी थी, सबसे पहली विधि आप लोग आर एक्स एल्किल हैलाइड से। अब सुनो एल्किल हैलाइड के अंदर आप लोग जली है NaOH लो कॉमा, जली है KOH लो, या फिर जली है Ag2O लो जिसको नम सिल्वर ऑक्साइड बोलोगे। इनके साथ यदि आप लोग एल्किल हैलाइड की क्रिया कराओगे तो एल्किल हैलाइड का एक्स समूह OH के द्वारा क्या हो जाता है प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये वैसे देखा जाए तो एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH, जलीय KOH या फिर जलीय या नम Ag2O के साथ कराते हो तो बनने वाली जो स्पीसीज होगी वो क्या कहलाएगी एल्कोहल कहलाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी तरह से अपन जानते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम में 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम होता है और 1 डिग्री का सबसे कम होता है, समझ में आई। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधी अपन समीकरण लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड में क्या लेना चाहते हो तुम, तुम्हारे हिसाब से देख लेना। आर बराबर आप लोग समूह को चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अपन दिया सामान्य रूप से अपन कहेंगे भाई ROS, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल मतलब RX की क्रिया, X का मतलब यहाँ पर FClBr I, ठीक है, और मुख्य रूप से Br और Cl लेना, I और F को मत लेना, जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि बनती मुश्किल तरीके से तो क्यों ले उनको, तो अपन को पहले उपलब्धि नहीं है। तो अपन को क्या लेना है X बराबर Cl लो या फिर Br लो, नहीं तो X ले लो कोई भी। किसके साथ क्रिया कराएं, NaOH के साथ क्रिया कराई, और ये क्या यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको बेटा जलीय, क्या लिखा मिलेगा जलीय एक्वस लिखा मिलेगा AQUO करके, ठीक। यहाँ से तो लेना एक्स माइनस वाला और यहाँ से लेना एन ए प्लस, ठीक है, एन ए एक्स बाहर निकालना, माइनस क्या बाहर निकाला एन ए एक्स, और प्लस आप लोगों ने जोड़ क्या दिया बेटा आर और इसमें क्या जोड़ गया OH। तो ये तो था एल्किल हैलाइड और वो बन गया एल्कोहल, पहली विधि तो ये पहला आपने मैंने लिखा है। यदि अपन क्या ले रहे हैं बेटा, यदि अपन ने ले लिया KOH के ले लिया और KOH कौन सा लेना है जली है, अपन को ये क्रिया याद होगी थोड़ा सा कि यदि एल्कोहलिक KOH ले तो विलोपन अभिक्रिया होती है और जलीय KOH ले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, यहाँ पर भी अपन लिखेंगे बेटा जलीय। अब यहाँ पर वही ये एक्स लेना और यहाँ का के ले लेना, के एक्स बाहर निकाल दिया, माइनस क्या निकाल दिया माइनस के एक्स, क्या लिखोगे ROH, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये है आप लोगों की नंबर 2 किसके साथ जलीय KOH के साथ, नंबर 3 किस कौन ले रखा है सिल्वर ऑक्साइड, कौन सा है ये
जलीय लेना है, तो यहाँ पर जल के अणु का थोड़ा सा काम है। अब यहाँ देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे Ag2O की बात होती है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर तीन एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया बेटा CH3CH2Br। CH3CH2Br का नाम क्या है? ब्रोमो एथेन तो IUPAC नाम, और एथिल ब्रोमाइड सामान्य नाम। ठीक है, कितने अणु लेने हैं इसमें? दो लेने हैं। क्यों ले रहे हो दो? अरे Ag है ना, वो दो है Ag, देखो Ag2, तो इसलिए दो ले रहा, क्योंकि 2AgBr मेरे को बाहर निकालना है। अब यहाँ प्लस अपन ने एक अणु और ले लिया, किसका? CH3CH2Br का। एक बात सुन लेना बेटा, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये रिएक्शन तो लिख रहा हूँ, इन रिएक्शन के नीचे यहाँ पर ये जैसे हेलो एल्किन नाम लिखो या एल्किल हैलाइड लिखो, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड और यहाँ पर एल्किल एल्कोहल लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद समूह यदि जोड़ रहे हो तो उसका आप लोगों को IUPAC या फिर सामान्य नाम लिखना अनिवार्य है। हाँ, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, वैसे नंबर कटते नहीं हैं, लेकिन एक मैनर्स होता है, एक तरीका होता है, तू ना बोल के आप बोले ना, वो तरीका है। कहने का मतलब आपको पता है कि भाई ये चीज़ सब कुछ है, तो वो इम्प्रेसिव होता है। और इसको खाली छोड़ दोगे, क्या पता बच्चे को इसका नाम पता है कि नहीं। तो आपको इनका नाम लिखना है, सही नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो अपन क्या लेंगे, Ag2O ले लिया। क्या ले लिया? Ag कौन सा है? ये नम है, ड्राई है, ड्राई है कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, वीट है, गीला है, ड्राई नहीं, ड्राई का बोलते उसको होता है। प्लस क्या ले लिया? जल ले लिया, ये जल पानी की थोड़ी सी, इसके अंदर दो चार बूंदें डाल दी, छींटा मार दिया, इसको मार दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे, ये ले लो बेटा, दो तो Ag ले लो और दो Br ले लो, सही है, क्या बाहर निकल गया? 2AgBr। अब क्या बच रहा है देखो आप, एक ओ, दो ओ और दो एच, तो एक ओ एच को यहाँ जोड़ो बेटा, एक ओ एच को यहाँ जोड़ो, दिख रहा है? अरे दो तो ऑक्सीजन बच गई, दो एच बच गया, तो एक ओ एच तो ऊपर जोड़ना, एक नीचे जोड़ना, अर्थात दो CH3CH2OH बनाना। क्या बनाओगे? इसको थोड़ा सा गर्म करना, CH3CH2OH के कितने अणु बने? दो, प्लस 2AgBr। तो आप लोग इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से कराओगे, ये नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो पहली अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड के की क्रिया जलीय NaOH से कराओ, जलीय KOH से कराओ, जलीय Ag2O से कराओ। तो बेटा सुन लेना, मैं आप लोग वापस बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन तो दिख रही है, अब R के स्थान पर आप लोग कोई मान रखना, R के स्थान पर आप लोग मुख्य रूप से ऐसे करना C2H5Cl या C2H5Br लेके चलना। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इस अभिक्रिया के प्रति, कहने का मतलब कह सकते हैं उपरोक्त अभिक्रिया के प्रति, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। देखो बेटा, पहली विधि आपकी ये कंप्लीट हुई, तो अब अगला पॉइंट आता है, इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि उपरोक्त अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री, और लास्ट में बेटा CH3X रहता है। समझ में आ रही बात ये? तो उपरोक्त अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री का सबसे अधिक, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम और CH3X का सबसे कम होता है। अब यहाँ R बराबर मैं क्या चाहूँ वो समझ में आ गया होगा कि R बराबर यदि तुम लोग बड़ा समूह ले रहे हो, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हो, क्लोराइड ले रहे हो, तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो कॉपी में थोड़ा सा यार ओड लगता है कि भाई कितने सारे पन्ने भर जाएंगे, क्योंकि बड़ा सूत्र आता है। इसीलिए नॉर्मल रूप से आप लोग रफ एंड टफ काम है, एथिल वाला समूह लेना और अभिक्रिया करा देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साहब ना, सब सही मायने में देखा जाए तो तीव्रता के साथ क्रिया 3 डिग्री वाला ही करता है, और सबसे कम क्रिया करता है ये, तो इसको तो मत लो, कम से कम 1 डिग्री वाला एथिल तो ले लो, है जो छोटा रूप है कम से कम, समझ में आई? तो इसलिए R बराबर आप लोग एथिल लो या तृतीयक ब्यूटिल वाला लो, तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गई बेटा? तो ये है आप लोगों की पहली विधि, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ, जलीय NaOH के साथ और जलीय Ag2O के साथ, जिसको सिल्वर ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। दूसरी अभिक्रिया बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा नंबर दो है बेटा एल्कीन से। ठीक है बेटा, अब देखो एल्कीन, सबसे पहले एल्कीन ले रहे हो तो यहाँ पर अपन को योग कराना है बेटा जल का। किसका योग कराना है? जल का योग कराना है, और जल का योग होगा वो बेटा तनु H2SO4 या हम कह सकते हैं तनु HCl की उपस्थिति में रहेगा। अब तुमसे प्रश्न ये कहा जाए कि एल्कीन की क्रिया
तनु H2SO4 फोर के साथ कराओ तो क्या उत्पाद बनेगा बेटा? तनु का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि मोटी सी बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, दोनों में ही जल उपस्थित है। ठीक है बेटा, तो दोनों के अंदर जल जो उपस्थित है उसके हिसाब से अपन बता एल्किन से, और एल्किन पर आपको जल का योग करवाना है तनु H2SO4। यहाँ पर एल्किन की बात करो तो नंबर वन बेटा मैं यहाँ सममित एल्किन ले रहा हूँ, CH2 द्विबंध CH2, और प्लस आप लोग जल की क्रिया करा रहे हैं। जल की क्रिया बेटा अंडरस्टूड है, यदि एरो के ऊपर तनु H2SO4 लिखा हुआ है, तनु H2SO4 लिखा हुआ है और ये जल नहीं दे रखा है, तो तनु H2SO4 का मतलब जल इसके अंदर इंक्लूड है, अर्थात एड है, तो आपको जल की क्रिया करानी है। अब ये क्रिया जो होगी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, जब असममित एल्किन, लेकिन ये सममित एल्किन तो एच को कहीं पर भी दो और OH को कहीं पे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक योगात्मक अभिक्रिया है जिसके अंदर एक पाई बंद टूटता है और दो नए सिग्मा बंद का क्या होता है बेटा? निर्माण। तो यहाँ पर ये मैंने पाई बंद लगा दिया, आप एक CH2 करके ये H जोड़ दिया, सिंगल बंद करके आप लोगों ने CH2 करके OH जोड़ दिया, तो दो किसका निर्माण हुआ? दो सिग्मा बंद। तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया, और इसमें देख सकते हो एच को तो यहाँ दे दो, कहीं पर भी दे दो, कोई फर्क नहीं, बनेगा वही। और नाम, इसका नाम तो क्या हुआ बेटा? एथीन। और इसका नाम क्या हुआ? एथेनॉल, इसका IUPAC नाम हुआ है। तो ये पहली कंडीशन है, तो पहला आप लोगों ने ये उत्पाद बनाया। तो दूसरी विधि आप लोग क्या करेंगे, एक असममित एल्किन लेंगे, और असममित एल्किन के अंदर मैं ले रहा हूँ नंबर दो CH3CH द्विबंध CH2, और एरो के ऊपर लिखो, या फिर वैसे तो क्रिया करा देता हूँ मैं आप लोगों को, बाद में बताऊँगा। तो HOH, और अपने लिख दिया तनु HCl लिखो, तनु H प्लस या H प्लस लिखा मिलेगा, या फिर H3O प्लस लिखा मिले तो भी अम्लीय माध्यम रहता, ध्यान रख लेना है। हाइड्रोनियम आयन लिखो, H3O प्लस लिखो, H प्लस लिखो, तनु HCl मिलो या फिर तनु H2SO4 लिखा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, यहाँ एक असममित एल्किन है, असममित एल्किन का मतलब द्विबंध वाले कार्बन से डिफरेंट समूह जुड़े हो अलग अलग, तो वह असममित एल्किन कहलाएगी। अब असममित एल्किन पर जल का योग या HX का योग, मतलब एक धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग का योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है। अब यहाँ जानते हैं कि ये प्लस वाला होता है तो ये वाला गायब होता है बेटा, माइनस वाला। अपन जानते हैं कि जब असममित असंतृप्त, जब असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HOH का योग कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन पर जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा? अधिक हो, उस पर क्या जाएगा? H प्लस जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पर पहले से ही कम हो वहां पर जाता है OH माइनस जाएगा। तो इसे बोलोगे मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मोटी सी बात है, H को वहां देना जहां पर अधिक, यहां तो इतनी अधिक है कि घुस ही नहीं सकता क्योंकि चार सीढ़ियों तक पूरी हो रही है, अधिक यहाँ है, साथ में बंद टूटेगा। कई कई साहब यहाँ है अधिक तो आप यहाँ क्यों नहीं दे रहे? अरे यहाँ कैसे देंगे बताओ, एक और तीन चार संयोजक का पूरी है, पांचवी और यदि घुसाओगे तो छः हो गई, पांच हो गई सॉरी, और पांच के बाद तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, हो जाएगा बेकार है। तो यहाँ पर दोगे तो आपके दे बोला CH3H को देना यहाँ पे और OH को देना यहाँ पे, फर्स्ट अटैक H प्लस का, सेकंड अटैक OH माइनस, इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो पाठ नंबर 10 में मैंने आपको क्लियर रूप से बताया है। तो H कहाँ गया? यहाँ, तो ये क्या हो गया? CH3, और OH को यहाँ जोड़ोगे तो आपका बनेगा CH3 OH करके, और यहाँ पर ये CH3, तो इसका नाम है 2-propanol। समझ में आ गई? तो एल्किन से है ये, एल्किन से भी आप लोगों की बेटा, एल्किन से भी बनाने की पहली विधि है। अब इसके बाद आप बोले कि इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर प्रश्न टाइप में थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे कैसे कुछ हो सकता है। एरोमेटिक भी हो सकता है इसके अंदर, एलिफैटिक भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो। जैसे सवाल पूछा जाए कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो, क्या पर सवाल है? निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो तथा उत्पाद का IUPAC नाम लिखो। ठीक है बेटा, अभिक्रिया को पूर्ण करना है और उस उत्पाद का आपको IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जांपल,
ये CH3। ठीक है, पहला एग्जाम्पल एक एल्किन है, एरोमेटिक एलिफेटिक, यहाँ पर लिखा है H2O और ऊपर लिखा है तनु HCl भी लिख सकता है, तनु H2SO4 भी लिखा हो सकता है, या अम्लीय माध्यम भी लिख सकता है। पहली बात, ये सवाल है ऐसा, इसी सवाल को, पहले सवाल को आप लोग इस प्रकार से भी हो सकता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वापस यहाँ दीवबंद लगाओ, ये CH3 लिखो और ऊपर लिखा हुआ है तनु H2SO4। इस सवाल में कोई अंतर नहीं है बेटा, ध्यान रख लेना। क्यों, तनु लिख दिया, जल है, इसके अंदर आपको जल का ही योग करवाना है, आप अपनी तरफ से अलग मत करवा देना, समझ भाई। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। अब देखो, योग करवा रहे हो आप लोग, सबसे पहली बात कोई सी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो आपका सी है कि नहीं है बेटा, क्या है यहाँ पर, ये सी, यहाँ पर ये क्या है CH, ये क्या है बेटा CH2, ये वाला भी CH2, ये वाला भी CH2, ये वाला भी क्या बेटा CH2, पक्की बात। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि असममित एल्कीन है, ये है तो एरोमेटिक लेकिन क्या है असममित है। अब जल में एक तो H प्लस वाला भाग है और एक कौन सा है OH माइनस, तो मतलब H प्लस तो वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और OH वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा कम हो, इसे बोलोगे मार्कोनी को। अब दिख रहा है आपको मामला, अरे भैया या करके अपन ने क्या लिखा इसको, या करके हम बोला एच और ये OH, एच कहाँ जाएगा जहाँ पहले से अधिक हो, ये रही अधिक, यही तो जाएगा, और OH कहाँ जाएगा जहाँ पहले से ही क्या हो बेटा कम। तो आपका उत्पाद जो बना, दिख रहा है आपको उत्पाद, उत्पाद देखिए, द्विबंध हटा तो यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर ये CH3, बोलो ये उत्पाद है कि नहीं, उत्पाद है। IUPAC नाम अपन कर सकते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, चार, पाँच और ये छः, 1-methyl, सही है, 1-methyl साइक्लोहेक्सेनॉल, सही है, 1-methyl, क्या लिखोगे इसको, या मैथिल साइक्लोहेक्सोन, केवल मैथिल साइक्लोहेक्सेनॉल बोलो। तो ये सवाल आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, और इसमें आप लोगों को मार्कोनिकोव के अनुसार आपको क्या कराना बेटा, अटैक कराना है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, नीचे वाले में, ऊपर वाले में यही वाला बनने वाला है। एक एग्जांपल और इस प्रकार से लिखा हो, जैसे CH3 CH द्विबंद CH2 CH द्विबंद और ये CH2, और यहाँ लिखा है बेटा तनु H2SO4, क्या लिखा है। अब आपको उत्पाद पूछे, क्या बनाओगे उत्पाद, अरे क्या बनाओगे, H यहाँ तो कुछ देना ही नहीं है, H को तो यहाँ दोगे, OH को यहाँ दोगे, जब दोगे तो उत्पाद आपका ये क्या है, आपका ब्यूटीन, कौन क्या है ये ब्यूटीन, क्या है एक असममित एल्कीन है। अब असममित एल्कीन है तो इस पर योग किसका होगा, तनु H2SO4 लिखा हुआ है, आपको जल नहीं दे रखा, अरे दो या मत दो, हमको तो जल का योग कराना है। आप जल का योग करा रहे हो तो तुम्हारे सामने मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, H को तो यहाँ देना और OH को यहाँ पहुँचा देना, एच वहाँ गया तो आपका उत्पाद क्या बना, CH3 CH2 CH का क्या बना OH और ये CH3, बता दो तो नाम क्या हो जाएगा, 2-butanol। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये एल्कीन से और भी विधियाँ हैं, इसके अंदर हाइड्रोबोरोनीकरण है, फिर उसके बाद मर्क्यूरीकरण भी है, एल्कीन से ही है। तो अगली विधि आप लोग फिर लेक्चर नंबर अगले में आप लोग देखना, ठीक है।